अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतना खुश क्यों नजर आ रही हो? अरे आपको पता है 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला विराजेंगे। अरे भाग्यवान ये तो सबको पता है और हम सब के लिए भी हर्ष का विषय है, बड़ा ही आनंद का विषय है। हाँ हाँ पर मेरी पूरी बात तो सुनो, दिनांक 22 जनवरी से 28 जनवरी तक अपने परसा हाट में भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कथा व्यास पूज्या देवी मानस माधुरी पाठक के मुखारविंद से प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाएगी। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ समाचार है। पर मुझे ये तो बताओ कि कथा का समय क्या रहेगा? कथा का समय रहेगा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से। अरे वाह फिर तो हम सब मिलकर चलेंगे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए। हाँ हाँ हम भी चलेंगे और माँ बाबूजी को भी साथ लेकर चलेंगे, और सुनो ना पड़ोस वाली दीदी को भी साथ में ले चलेंगे। हाँ हाँ भाग्यवान ऐसा दुर्लभ अवसर बार बार कहाँ मिलता है, हम रोज ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जाएंगे। परम स्नेही धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं एवं बहनों, 22 जनवरी को हमारे भारत के सनातनियों की आज तक की सबसे बड़ी जीत का उत्सव प्रभु श्री राम मंदिर स्थापना महोत्सव के उपलक्ष में परसा हाट की पावन धरती पर पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। जी हाँ धर्म प्रेमी बंधुओं, दिनांक 22 जनवरी से 28 जनवरी तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। भव्य कलश यात्रा दिनांक 22 जनवरी को सुबह 9 बजे से निकाली जाएगी। कथा का समय रहेगा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से। कथा के दौरान प्रतिदिन भगवान की दिव्य लीलाओं बाल लीलाओं की मनोरम झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। कथा स्थल दुर्गा मंदिर परसा हाट रानीगंज अररिया। कथा व्यास पूज्या देवी मानस माधुरी पाठक, आयोजक समस्त परसा हाट ग्रामवासी। तो समस्त धर्म प्रेमी बंधु माताएं बहने अधिक से अधिक संख्या में पधार कर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं, अपने मानव जीवन को सार्थक करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 22 जनवरी से 28 जनवरी तक कथा स्थल दुर्गा मंदिर परसा हाट रानीगंज अररिया। भव्य कलश यात्रा दिनांक 22 जनवरी को सुबह 9 बजे से निकाली जाएगी। कथा व्यास पूज्या देवी मानस माधुरी पाठक के मुखारविंद से प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराया जाएगा। चलो चले परसा हाट जहां पर बहेगी श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा। चलो चले परसा हाट जहां पर बरसेगी हरि नाम की अमृत रस धारा। तो आइए हम सब मिलकर चले और श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोते लगाकर अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, भगवान श्री हरि की कृपा के बिना संतों का मिलना दुर्लभ है। भगवान श्री हरि की कृपा से ही ऐसा दुर्लभ अवसर आया है पाप ताप संताप को नष्ट कर मानव जीवन को धन्य बनाने का सुनहरा मौका आया है। आइए हम सब मिलकर अपने परिवार और इष्ट मित्रों के साथ चलें और श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाएं। मेरी मुरली की धुन सुनने